नॉच इज द फ्यूचर, या दोस्तों कुछ ऐसा ही होने वाला आने वाले नेक्स्ट ईयर में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, एवरीवेयर नॉच। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि अभी एप्पल ने अपने मैकबुक प्रो सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने अपने लैपटॉप्स में नॉच लेकर आए हैं, डिस्प्ले को यहाँ पर बड़ा करने के लिए थोड़े नॉच लेकर आए, कैमरा एंड सेंसर्स को लगाने के लिए। तो इस चीज़ को यहाँ पर सैमसंग ने देखा, तो सैमसंग ने देखा कि हम क्यों पीछे रह जाएं एप्पल से। तो उसने बोला कि आपने लैपटॉप में निकाला है, मैं यहाँ पर टाइम में निकाल देता हूँ। तो सैमसंग की तरफ से अभी लेटेस्ट रेंडर सामने आया कि सैमसंग के जो टैब S8 सीरीज में जो हाई एंड वेरियंट होगा S8 अल्ट्रा, उसमें हमें नॉच देखने को मिलेगी। यहाँ का सेल्फी कैमरे के लिए यहाँ पर नॉच दी गई है। अरे भाई सैमसंग, जब आपके पास पंच होल कटआउट है या पंच होल कटआउट में कैमरा फिक्स कर सकते हो, तो नॉच देने की क्या जरूरत थी। वैसे कैसे आप बताइए कि आपको नॉच पसंद है कि नहीं है, कमेंट में जरूर बताइएगा नीचे। और इसी का सैमसंग की एक टीवी का भी रेंडर सामने आया था, जिसमें उन्होंने टीवी में भी नॉच दिखा रहे थे। सो आई थिंक हमें टीवी, लैपटॉप्स, टैबलेट्स सभी में नॉच देखने को मिलने वाली है इन फ्यूचर में। अभी स्मार्टफोन से तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से नॉच को हटा पाया, और एप्पल ने तो वो भी नहीं अभी किया है। सो आई थिंक नॉच इज बैक। तो चलिए गाइस, वैसे छोड़ते हैं इन सभी बातों को, बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 सीरीज के बारे में। इसके रेंडर्स यहाँ पर लीक हो चुके हैं, जहाँ से पता चल रहा है कि इसमें अभी हमें सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 सीरीज की तरह इसमें 3 टैबलेट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें टैब S8, गैलेक्सी टैब S8 प्लस एंड गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा, ये 3 वेरियंट देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो इसका टॉप एंड वेरियंट है गैलेक्सी S8 अल्ट्रा, इसमें हमें नॉच देखने को मिलेगी। और नॉच में साइज से हमें डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है सेल्फी के लिए, जिससे कि जस्ट लाइक 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर प्राइमरी कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, इसे कुछ देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर हमें 14.6 इंचेज की ओलेड डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। एंड यहाँ पर नॉच देने की वजह से यहाँ पर इनका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, यानी कि इसमें आपको बेजल्स ना के बराबर देखने को मिलेंगे। बात करें इसके अदर स्पेस, जस्ट लाइक इसमें हमें मिलेगा 8GB की रैम एंड 128GB का स्टोरेज के साथ 12GB की रैम 256GB के यहाँ पर दो कॉन्फिग्रेशन देखने को मिलेंगे। एंड प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 895 प्रो चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक का क्वालकॉम का सबसे हाईएस्ट चिपसेट है, टॉप एंड चिप सेट है। वहीं बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो यहाँ पर बैक साइड में हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, जो कि कैप्सूल के साइज में होगा, जिसमें 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर प्राइमरी कैमरा दिया गया है एंड 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलेगा। और ठीक उसी के नीचे यहाँ पर एस पेन स्टाइलस को अटैच करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्राइप भी दी गई है, जिसे आप एस पेन अटैच कर सकते हैं स्टाइलस। एंड बैक पैनल पर वही सिंपल देखने को, नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसके राइट साइड की, तो यहाँ पर हमें पावर बटन प्लस वॉल्यूम कीज देखने को मिलेंगी। एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पर कीबोर्ड को अटैच करने के लिए यहाँ पर कनेक्टर दिया गया है। एंड बॉटम में आते हैं तो इसमें हमें चार्जिंग के लिए USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है एंड क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा इसमें। बट यहाँ पर एक सैड चीज जो सैमसंग ने यहाँ पर की हुआ है, यहाँ पर इसमें से 3.5mm हेडफोन जैक को निकाल दिया है, इसमें आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए टाइप सी टू हेडफोन जैक कन्वर्टर मिल सकता है, दैट इज नॉट गुड थिंग। अभी सैमसंग ने स्मार्टफोन से हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मैनेज कर सकते हैं स्मार्टफोन से, लेकिन टैबलेट से क्यों निकाल रहे हैं। इसके बाद अभी थोड़े दिन बाद आ जाएगा कि लैपटॉप से भी हेडफोन जैक गायब हो जाएंगे, ऐसा ही कुछ फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो गाइस गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा में यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा स्लिम देखने को लगता है एंड इसका वेट ऑनली यहाँ पर 650 ग्राम्स के आसपास यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इतने स्लिम में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हमें 12000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 45W की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर है कि बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगी। तो ऐसी ये तो स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 सीरीज के हाई एंड वेरिएंट सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा के बारे में। तो इसके दो और छोटे छोटे भाई हैं, उसमें नॉच देखने को नहीं मिलेगी, बेसिक स्पेसिफिकेशन के साथ आएंगे, इसी से थोड़े मिलते जुलते। सो ये सीरीज नेक्स्ट ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होने के सबसे ज़्यादा इसके चांसेस है कि हमें नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाएगी, 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में। तो देखते हैं जब ये ऑफिशियल लॉन्च होंगे तो क्या नए चेंजेस लेकर आते हैं, क्या नॉच हमें सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा में देखने को मिलेगी या नहीं, वो सब नेक्स्ट लॉन्च में ही पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बने रहिएगा हमारे साथ, देते रहिए स्टीफन टेक, बाय बाय, पीस।